बागेश्वर जनपद के विभिन्न स्थानों में बैठ की होली का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर शहर सहित गरुड़, कांडा व कपकोट में भी होलियार देर रात तक राग पर आधारित होली गायन कर रहे हैं। बैठ की होली की खासियत यह है कि राग पर आधारित होती है, इसे शास्त्रीय होली भी कहा जाता है। गरुड़ के गढ़शेर में गत रात्रि आयोजित बैठ की होली कार्यक्रम में बाहरी जिलों से आए होलियारों ने भी होली गायन किया। इसके साथ ही जिले में होली गायन का आगाज भी हो गया है। कुमाऊनी होली तो इसके दो ठार तो दिखाई पड़ते हैं। एक तो खड़ी होली है, एक बैठकी संगीत क्लासिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं उस पर आधारित होली कुमाऊं में चलती है। कुमाऊं की बैठकी होली जो है वो तो पूरे यानी कि पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक अनूठी कला है, एक अनूठी संस्कृति है जो कि विशेषकर कुमाऊं के अंदर ही विद्यमान है, जो क्लासिकल म्यूजिक में है। जो बैठकी होली गाई जाती है, बैठकी होली का गायन होता है, वो तो केवल कुमाऊं के अंदर ही उसके दर्शन होते हैं। और इतनी रस भरी और मिठास युक्त ऐसी क्लासिकल होली शायद भारत में और कहीं भी नहीं होती है। ये तो मथुरा वृंदावन की होलियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो क्लासिकल म्यूजिक यहाँ का है होली का, बैठ के होली का, वो अपने आप में एक अपूर्व और अद्भुत है। जहाँ तक खड़ी होली का सवाल है, वो विशेषकर एकादशी जो पूर्णमासी एकादशी जो शुक्ल पक्ष की आती है फाल्गुन की, वहाँ से शुरू होती है खड़ी होली। खड़ी होली में तो सभी सार्वजनिक रूप से सारे लोग एकत्रित होकर के गाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अभी गुलाल लगाते हैं। वो तो मिलन के लिए है, घर घर द्वार द्वार परिवार सब मिलते हैं, वो उसका स्वरूप सारे लोगों के समूह से है। लेकिन बैठकी होली जो है ये कुछ चुनिंदे लोग जो अच्छे गायक कलाकार लोग होते हैं वो बहुत क्लासिकल रूप में इसका गायन करते हैं। घर घर में अंदर बैठ करके बैठकी होली होती है,
और बाहर अखाड़े में जो होती है वो खड़ी होली का स्वरूप होता है। अंदर बैठ करके जो गाते हैं तबला हारमोनियम आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनके साथ जो रस आस्वादन किया जाता है उस बैठ के होली का, वो केवल कुमाऊँ की होली का एक अद्भुत सौंदर्य है। पहले सबसे पहले विष्णुपदी होलियाँ गाई जाती हैं, उसके बाद फिर कृष्णपदी होलियाँ गाई जाती हैं, फिर अंत में शिवपदी और अन्य होलियाँ, रास और रंग की होलियाँ गाई जाती हैं। ये जो आज आप होली का आयोजन देख रहे हैं, ये होली का आयोजन विष्णुपदी होली का आयोजन है। बसंत पंचमी के बाद जो फाग की होलियाँ हैं, अब फाग की होलियाँ शुरू हो गई हैं और इस समय पूरे कुमाऊँ में हर जगह लोग बैठ करके रात को बैठ की होली का जो जो आपका सहाना में, भैरवी में और मालकोस में तमाम तरह की जो राग रागनी आधारित होलियां हैं वो गाई जाती हैं। तो जो होली के गायक हैं दूर दूर से आकर के एक जगह बैठ करके होली का गायन करते हैं। आज हमारे यहाँ जो गड़सेर में जो होली हुई है उसमें हमारे संदीप गोरखा जी जो पूरे कुमाऊँ में होली के एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं वो, और ललित माँ साहब हमारे अल्मोड़ा से, प्रमोद भाई अल्मोड़ा से, और हमारे पंत जी गंगोली हाट से, और हमारे प्रमोद भाई जो अल्मोड़े से आए हैं वो तमाम लोग, और प्रदीप गुरानी हमारे गड़सेर से, ये सब लोग जो होली के बहुत ही सशक्त, और गोपाल दत्त पाठक जी हमारे जो होली के ढांगर हैं, ये सब लोग सशक्त होली के हस्ताक्षर हैं जो बैठकी होली का रंग रास और रंग में आपको आनंद दे रहे हैं। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।